ये बॉटल लेंगे और जंगल में जाएंगे। नूरो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग रेडी हो गए नए ट्रिप के लिए और हम लग जा रहे हैं भंडारदारा, जो यहाँ से लगभग 230 किलोमीटर है और हमारा वहाँ पे वन नाइट स्टे है, नाइट कैंपिंग है। तो ये सब बाइकर रेडी है, देखो सब गियर अप हो गए और बाइक से और भी लोग आ रहे हैं, सब साथ में निकलेंगे अभी। सो गाइस, हमारा सफर चालू हो गया, हम निकल गए। 10 से 12 बाइक है हमारे साथ और हम नियर अबाउट 25 लोग हैं और दो गाड़ियां हैं, बड़ी वाली कॉयलिस और एक सेल्टॉस। तो लेट्स सी कैसा रहता है ये ट्रिप, मज़ा तो आने वाला है क्योंकि काफ़ी लोग हैं, बड़ा ग्रुप है और नाइट कैंपिंग भी होंगी हमारी वहाँ पे। और भंडारदारा में पहली बार जा रहा हूँ। पूरे बाइकर्स आ चुके हैं, फर्स्ट ब्रेक लिया गया है पेट्रोल के लिए और दूसरा रीज़न ये है कि सबकी सिग्नेचर लिए जा रही है कि भाई कुछ होगा तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि राइस ड्राइविंग में कुछ हो सकता, इसलिए एक जिम्मेदारी के लिए ये सिग्नेचर। केस तुम मर वर गए तो डायरेक्ट छुप छुप बोलो यार, वैसे सफर की दुआ पढ़ ली गई, कुछ होगा नहीं पर जिम्मेदारी अपनी अपनी। शुभ शुभ अगर तुम मर वर गए ना काम आएगा। हाँ दुआ पढ़ के सफर की दुआ, तावीज बना, तावीज बना दो, गले में लटका दो, ये ताबीज है, इसको गले में लटकाना है, बांध के। ये प्रिंस बाबा का ताबीज है। अरे प्रिंस बाबा के पास ऐसे ऐसे ताबीज है बॉस। पेट्रोल भरने के बाद यहाँ पे फोटो सेशन हुआ, यहाँ पे प्लानिंग हुई, साथ में चलेंगे, आगे पीछे नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अभी ब्रेक लिए हमने, थोड़ा नाश्ता करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट अब 12 बज गए। चाय और एप्पल पे निकला था, अभी नाश्ते की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वड़ा पाव वगैरह ही मिलेगा क्योंकि खाना तो नहीं मिलेगा, मिसल में ले लेंगे। तो यहाँ से फिर सीधे निकलना है? हाँ, यहाँ से सीधा आप नॉनस्टॉप जाएंगे आप। अब मिला सुकून क्योंकि पेट में चला गया खाना, मिसल पाव। चलो सब रेडी है, निकल रहे गाड़ियाँ और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग निकल गए अभी और हमने शायद टाइमिंग के हिसाब से संगम नहर के पास होना चाहिए था, लेकिन ग्रुप बड़ा है ना तो ये ग्रुप वाले ज़्यादा टाइम खा रहे हैं, हंसी मजाक मस्ती में लग गए, जहाँ ब्रेक ले रहे हैं वहाँ पे ब्रेक मस्ती कर रहे हैं। ठीक है यार। सो यहाँ पे हमारा अफरोज शूट कर रहा है समृद्धि महामार्ग, ये रोड हमें तकरीबन 4 से 5 बार लगा है, इसके नीचे से जा रहे हम लोग बस। तो यहाँ पे मेरा माइक सही से कनेक्ट नहीं हुआ इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है और हम रुके थे पूरे 100 किलोमीटर के बाद चाय ब्रेक के लिए। और पूरा 100 किलोमीटर नॉनस्टॉप चलाने के बाद जिस रोड से हम लोग गए थे वैजापुर से सिन्नर का जो रोड था वो बहुत ही खूबसूरत रोड था। हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे कि बाइक राइड करने में बहुत मज़ा आया और हम बोल रहे थे कि यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स बाइक होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। फिर इतने में ही मामा ने हमें ला के दी चाय, हमने किया चेस्ट और लिए चाय की चुस्की। सो गाइज, यहाँ से मैं लूँगा सेल्टॉस, आगे चलाएंगे अरबाजी बुलेट चलाएंगे, अरबाजी को बुलेट चलाना है, अरबाजी बस खड़े हुए। सुबह 8 बजे से मैं घर से निकला था, 10 बजे ये लोग आए, 10 बजे निकले हम और अभी 4:30 बज रहे और अभी तक हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। इतना आराम से चल रहे हैं ना, हर जगह ब्रेक ले रहे। यहाँ पे 5 बजा दिए उन्होंने, पूरा टाइम हो गया जब से मैं ना सेल्टॉस चला रहा था और अभी आ गया मैं वापस बुलेट पे। अरे क्या ये देखो ना, अरे बहुत सही आया, मजे मजे। आप क्या रोड थे, क्या रोड है, कितने प्यारे रोड, कितनी प्यारी लोकेशन, मुझे तो यार मतलब क्या ही बताऊँ मैं यार, क्या रोड है, सीरियसली व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो गाइस, ये हमारा लास्ट ब्रेक है, इसके बाद लास्ट स्टॉप हमारा डेस्टिनेशन है। अभी बज रहे 6 और सनसेट, क्या रोड है बॉस, महाराष्ट्र में इतनी खूबसूरत जगह मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है इससे पहले क्यों नहीं आया मैं यहाँ पे, आना चाहिए था, बट सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है और रोड्स मेरे को मोहब्बत हो गई रोड से। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, ये बुलेट के काम का रोड नहीं है, यहाँ पे अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है मतलब R15 या KTM उसके लिए बहुत सही रोड है।
सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से कोई अंदर गांव है, अंदर जाना है ना प्रिंस। अभी हम लोग भंडारदरा पहुंच चुके हैं, यहाँ पे MTDC का एक रिसॉर्ट है और ये चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद नेटवर्क नहीं आता, तो अब हम नेटवर्क के बाहर है, तो हम कल मॉर्निंग में नेटवर्क में आएंगे। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे नेटवर्क की, बहुत अच्छी जगह है लेकिन नेटवर्क होना चाहिए क्योंकि टूरिस्ट लोग आते हैं तो नेटवर्क बहुत ज़रूरी है उनके लिए। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात, यार पूरा दिन डाल दिया, रात से लेकर सुबह से फिर शाम तक मुझे प्यार करो। तो हम लोग गांव में पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ से और 20-25 किलोमीटर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया ना, सबकी गाड़ी में पेट्रोल कोई भरना भूल गया, किसी का शायद थोड़ा कम हो गया, तो हमने सेफ्टी के लिए भर लिए। अभी भूख लगी है बहुत, जाके कैंपिंग करनी है तो वहाँ खाना खाएंगे। तो भूख लगी सबको, दूध का पैकेट लेके दूध पी रहे भाई, दूध इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। दूध मत बोले, दूध बोले, गुजरात और महाराष्ट्र का वाला, गुजरात और महाराष्ट्र 1954 में अलग हुए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू का पूरा नाम क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1954 लेकिन पठान ऐसा स्टार है, पठान और जवान में सर जवान ज्यादा अच्छी है, सब जवान अभी भी है। पठान पठान ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं लगी। गुजरात और कब, अरे जवान जवान अच्छी थी, जवान कौन सी पिक्चर अच्छी थी, नहीं बस और एक घंटा, एक घंटा कब से सुन रहे, 12 घंटा ये बाल्टी में क्या है, ये दूध पी रहे, दूध पी रहे, दूध पी रहे बाल्टी में क्या है, अरे सादा कच्चा दूध बेहतरीन, कितने नंबर करके आए ये लोग, ये फाइनल काउंट बोल दो यार, कितना घंटा लगेगा अभी, आधा घंटा, आधा घंटा कंफर्म बोलो, चार घंटे बोल के 12 घंटे सफर, खूबसूरत मंजिल का है क्या, नहीं लगी तो भाई, नहीं लगी भाई, बहुत बहुत भयंकर मजा आया भाई, कसम से कैंपिंग जंगल में, फिर से बोलो, फिर से छोटा सा ट्रैक, हां 15 मिनट, खाना कब, खाना कब खाना, 8:30 चलेगा ये, लगभग 10 बजे पर लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, आधा घंटा सेटअप और टेंट लगाने के लिए, उसके बाद हम बॉनफायर लगा लेंगे और फोन चार्ज कर, 2 घंटे का डांस करेंगे, ये प्रिंस भाई ने हमें बहुत से जंगल में ला लिए, शेव भाजी खिला रहे हो, नहीं नहीं पेट भर के खाओ भाई, शेव भाजी ये सब्जी है, ये गोभी और पत्ता गोभी ऐसा कुछ, तो सब्जी रात के 10 बजे ये देखो सिस्टम निकाले और गाड़ी में का सामान अनलोड हो रहा है क्योंकि हम कैंपिंग साइट जा रहे हैं। अभी सर्दी होने वाली करके हम पहले ही सही है बंदोबस्त रहने का, चलो 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 चलो। यहाँ पे बॉन फायर लगा रहे हैं, अब इनका मस्ती खत्म नहीं हुई और यहाँ पे सिस्टम भी है हमारे पास, अब मजा आने वाला है।